सो गाइज मेरे चाचू बैडमिंटन खेल रहे हैं, वो कब उठाते हुए हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग, हम आ गए फिर से अपना न्यू व्लॉग लेकर। गाइस अब बज रहे हैं 10 और मैं अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठा हूँ। सुबह सुबह जिम गया था, 4:30 बजे उठ गया था सुबह, तो फिर आकर लेट गया थोड़ी देर के लिए, तो लेटे लेटे नींद आ गई मुझको। चलते होते थोड़ा फ्रेश फ्रेश होते हैं और थोड़ा मूड होते हैं अपना, उसके बाद करते हैं कंटिन्यू व्लॉगिंग अपनी। थोड़ा खेत साइड चलेंगे आज सोनीत के पास, सोनीत अपना खेत की जुताई कर रहा है उसके पास चलेंगे, वो देखने वो बुला रहा है कि उसने ट्रैक्टर में नया सलेंसर डलवाया है तो उसको देखने जाना है। करते हैं व्लॉग कंटिन्यू। तो गाइस अभी हो गई थी एक प्रॉब्लम, भाई ऑफिस गया था पुरानी मेरी बाइक लेकर और उसमें रास्ते में हो गया पंचर, इतनी लंबी कील निकली है। मैं अभी बाइक को न्यू वाली बाइक देकर आया हूँ और पुरानी वाली लेकर आया हूँ, उसमें पंचर लगवाया मैंने तो इतनी लंबी कील निकली है, वो कील अंदर जाके मुड़ गई, उसने दो पंचर कर दिए एक साथ, डबल पंचर हो गया। और अब जाना है सोनीत के खेत पर, उसकी बाबा कॉल आ रही है, वो बुला रहा है, उसको लग रही है प्यास और भूख भी, कह रहा है कुछ बना कर ले आ, तो अब बनाते हैं बनाना शेक और उसको लेकर चलते हैं। तो गाइस बनाना शेक रेडी हो चुका है, मैंने घाल लिया अपने बोतल में और पानी भी ले लिया है और चलते हैं खेत की तरफ सीधे। और गर्मी बहुत हो रही है, देखो पसीना आ रहे हैं, और कार ले चलते हैं क्योंकि बाइक पर मैं इतना दो दो बोतल लेके कैसे जाऊंगा, तो चलते हैं कार लेकर अपनी। तो भाई साफ प्लान फ्लॉप हो चुका है, सोनीत भैया अपना खेत जोत कर आ चुके हैं वापस रास्ते में और लड़ रहे हैं हम सब। देखो नमकीन चल रही है, शेक चल रहा है यहाँ पे, एक ही खड़े समीर गुजर सर मोहम्मद, इधर देखो हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं, हाय हवा बढ़िया लग रही है यहाँ पर, क्या हालत हो रही है देखो, सारे कपड़े देखो ट्रैक्टर क्या हालत है। हेलो गाइस अब दांत देखो इसके, ये दांत दिखाने का, दिखाओ खुजली आई, खुजली इसके खुजली हो रही है, बार उड़ गया तो भाई लोगों देखो ये है वो बवाल जो दिखाना था आपको, ट्रैक्टर का साइलेंसर जो भाई ने लगवाया, अभी कब लगवाया, कल लगवाया, कहाँ से लेकर, नानपुर पड़ता है किठोर के पास, वहीं से लेके आया ये। देखो ये देखो ये वो साइलेंसर, कौन सा ट्रैक्टर साइलेंसर है, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर साइलेंसर है और मैसी में लगवा रखा है, मैसी 245 में। और इसकी आवाज़ सुना स्टार्ट कर, देखो इसकी आवाज़ सुनना और बताना कमेंट करके इसकी आवाज़ कैसी है। कमेंट करके बताना इसकी आवाज कैसी लगी, अच्छी लगी तो बताना, बुरी लगी तो भी बताना। देखो भाई सेक के बाद चल रही है कोल्ड ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक के कुएं हैं बिल्कुल, सुबह पिया लो शाम पिया लो रात को पिया लो दिन में पिया लो कभी भी पिया लो। अरे भाई रूस के बैठे पीछे, इन्हें गिलास उड़ गया हवा में तो कह रही मैंने पिया कोल्ड ड्रिंक। भाई चलते अपने घर की तरफ, अभी हवा चल रही है बहुत ज्यादा, हवा की वजह से सारे पार खराब हो गए, वह जाके नहाएंगे धोएंगे। दोपहर हो गई है, 1 बजा है दोपहर के, मेरे पापा सो रहे हैं और बाकी अब नहाते हैं, नहाने के बाद करते हैं ब्लॉग कंटिन्यू अपना। मुझे थोड़ा स्लो बोलना पड़ रहा है क्योंकि पापा सो रहे हैं अंदर, मम्मी सो रही है, देखिए। तो भाई नौ के नहा धोकर बिल्कुल रेडी और देखिए बिल्कुल बड़े बड़े हवा चल रही है, मिठली हवा चल रही है,
दूर से निकली हवा चल रही है। देखिए भैया हमारे ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं खेत पर, और एक ट्रैक्टर चल रहा है इधर चक्की पे आटा पिसवा है, दिखाता हूँ चलो आपको मैं। जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था ये सब चक्की है, तब से ये चक्की चलती आ रही है। पहले चलती थी मोटर से, अब ये ट्रैक्टर चलाते हैं इसको। गाइस मेरे साथ आज एक धोखा हो गया, मैंने बावली से पानी की बोतल ली थी आज, तो देखो उन्होंने क्या दिया मुझको। देखिए बिस्लरी की जब बिस्लरी दी थी उन्होंने, मैंने ध्यान नहीं करा और मुझे ऐसे लगा जैसे बिस्लरी हो, और मैं लेकर आ गया, धोखा हो गया मेरे साथ आज। आज मैं बताता हूँ आपको हमारे घर में कितने ट्रैक्टर हैं। हमारे घर में टोटल 7 ट्रैक्टर हैं, टोटल 7, और जिसमें से एक तो अभी कुछ टाइम पहले लिया था, एक 2 साल पहले लिया था, बाकी भी उससे पुराने हैं। और काफी एक 1994 मॉडल है, एक 1972 मॉडल है, एक 2000 मॉडल है, ऐसी काफी सारे मॉडल है। इसमें 7 मॉडल है मेरे पास, सब मैसी हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, 3 तो बाहर खेत पर हैं और 3 घर पे हैं, एक चक्की पे लगा रहा है ट्रैक्टर से आटा पीस रहा है, और 2 खड़े हैं ऊपर, 2 हमारे एंटीक पीस में हैं, वो खड़े रहते हैं बस। तो 2 ये हैं हमारे एंटीक पीस। देखिए थोड़े गंदे हो रहे हैं अभी थोड़ी, क्योंकि घर में साफ साफ पेंट वेंट हो रहा है ना, तो इस वजह से गंदे खड़े हैं, बाकी ये साफ रहते हैं। एक तो ये है मैसी है, ये भी देखिए थोड़ा छोटा वाला है, 1994 मॉडल है, 1954 मॉडल है ये। देखिए टायर देखिए इसके, इसके अंदर फीचर बहुत अच्छे अच्छे हैं, उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। 1996 मॉडल बुलेट है, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा मैं। तो चलिए गाइस आज आपको अपनी मम्मी से मिलवाते हैं, मैंने कभी मम्मी को अपने ब्लॉग में ले लिया, आज लेते हैं मम्मी को ब्लॉग में। देखिए ये हमारी मम्मी, ये हमारी माता जी, इनको सूट सिलने का बहुत शौक है, इन्होंने कभी भी कोई सूट बाहर नहीं सिलवाया, खुद ही सारे सूट सिले हैं। सुंदर सी प्यारी सी सीधी सादी हमारी मम्मी, सारा सेटअप इनका है। सब लोग कैमरा चलते ही सब शर्मा जाते हैं, भाई पापा मम्मी शक्ति गोलू सब शर्मा जाते, कैमरा चलते ही सब चुप हो जाते हैं, कोई नहीं देखता कैमरे की तरफ। तो गाइस मेरे चाचू बैडमिंटन खेल रहे हैं, वो कॉक उठाते हुए भैया वापस पीछे जा रहे हैं। ये मारा में बड़े बड़े चाचू ने। मजा आ रहा हुआ मेरा दोस्त चीनो आ गए घर पास, इधर ये हम ये हमारा मेरा दोस्त है गोलू, बता गोलू कैसा लगा? सही है, तुम बता चीनो कैसे हो? तो भाई बहुत दिनों बाद बैडमिंटन खेला, मजा आ गया खेल के, काफी दुख गए पसीने आ गए बहुत ज्यादा, गर्मी तो खैर हो रही है। देखिए भैया भाई खेल रहे हैं, फिर शाम भाई खेल रहे हैं। तो
तो भाई अब टाइम हो रहा है 8:10 और हमारा डिनर हो चुका है। गांव में जल्दी हो जाता है सबको पता ही है। तो डिनर में करके हम हो गए फिटअप और अब करते हैं इस ब्लॉग को एंड, क्योंकि अब मुझे करनी है एडिटिंग और मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैं एडिटिंग करके जल्दी सो जाऊंगा आज, तो इस वजह से आज ब्लॉग को जल्दी खत्म करेंगे। तो करते हैं इस ब्लॉग को ही एंड। आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना एंड शेयर करना, एंड अगर कोई मन में कोई बात हो तो कमेंट करना। मिलते हैं फिर कल न्यू ब्लॉग में। थैंक यू गाइस।